नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत। स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन की इस वीडियो में। दोस्तों, हमने कल 50 प्रश्न पूरे कर लिए थे सामान्य ज्ञान के। अगर आप भी इसी प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप जीडी पुलिस कर रहे हैं, पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप अगर इंटेक्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको सामान्य ज्ञान जान लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 50 से आगे की प्रश्न को के उत्तर मैं आज आपको देने वाला हूं। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होती ही बेल आइकन दबाना ना भूले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर 51 नंबर पर सवाल लेकर आया है। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? अशोक चावला, गजेंद्र राठौर, बाबूलाल गौर, कुलदीप सिंह। तो इसका उत्तर होगा बाबूलाल गौर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी, कुलदीप सिंह, ये इसका उत्तर होगा। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, कुलदीप सिंह को किया गया है। और आगे देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं? एस के मांझी, एम ए गणपति, रमेश अग्रवाल, सीताराम चोपड़ा। इसका उत्तर होगा एम ए गणपति। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका उत्तर। आगे प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में ICRIER के नए निदेशक बने हैं? मनीष मित्तल, अरविंद सिंह भटनागर, दीपक मिश्रा, सूरज सिंह। तो इसका उत्तर होगा दीपक मिश्रा जो है ICRIER के नए निदेशक बने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दीपक मिश्रा होगा। और अगला प्रश्न बात कर लेते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व लोउ ओटेन्स का निधन हुआ है। उन्होंने आविष्कार किया था इंटरनेट, ऑडियो कैसेट, ट्यूबलाइट, विद्युत मोटर। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं, ऑडियो कैसेट का आविष्कार लोउ ओटेन्स ने किया, जिसका निधन हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, हाल ही में कौन ओलंपिक के नए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी हैं? कमला चौधरी, सुगंधा, रानी प्रताप, भवानी देवी। इसका उत्तर होगा भवानी देवी, जो कि ओलंपिक के लिए नए क्वालिफाई करने वाली भारतीय पहली भारतीय तलवारबाज बनी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व लक्ष्मण पै का निधन हुआ है। वे थे चित्रकार, थे गायक, थे लेखक, थे अभिनेता थे। तो इसका उत्तर होगा वो चित्रकार थे, लक्ष्मण पै, जो कि अभी वर्तमान में हाल ही में अभी अभी निधन हुआ है। 57 नंबर का प्रश्न, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को, 15 मार्च को, 16 मार्च को, 18 मार्च को। तो इसका उत्तर होगा चौथा, 18 मार्च को, जिसका प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 18 मार्च को, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगला सवाल, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च को, 15 मार्च को, 18 मार्च को, 16 मार्च को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 15 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बने हैं? बेन स्टोक्स, क्रिस गेल, विराट कोहली, किरण पोलार्ड। इसका उत्तर यहां पर विराट कोहली होगा, जो कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बने हैं। और आगे प्रश्न है, हाल ही में कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है? शकीरा, बियोंसे, रिहाना, मेडोना। तो इसका उत्तर होगा बियोंसे, जो कि 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है। तो इस प्रकार से आज हमने 10 प्रश्नों का हल निकाला, और ये बहुत ही ज़्यादा करंट है, हाल ही के हैं, जो कि अगस्त महीने का करंट अफेयर है।
आप इसको ज़रूर से याद कर लीजिए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार से और नए नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।